शुरू हो गया है आज से संसद का मॉनसून सत्र। मॉब लीचिंग के मामले में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस हुआ जारी। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की राजनीति से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। ऐसी खबरें लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जिसमें हंगामे की पूरी पूरी संभावना है। एक दिन पहले यानी कि कल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सभी पार्टी के नेताओं को डिनर पर आमंत्रित किया था, जिस दौरान मजाकिया अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष नेताओं से कहा कि पहले खाना खा लेते हैं फिर कल की तैयारियां करते हैं। अगर पिछले बजट सेशन की तरफ नजर डाली जाए तो उसका दूसरा सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में सवाल ये है, क्या मानसून सत्र में विपक्षी दलों के तेवर वैसे ही रहेंगे या उनके सुर में नरमी दिखाई देगी? मॉब लीचिंग मामले की बात की जाए तो टीएमसी के बाद आरजेडी सांसद जेपी यादव ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने सरकार से अपील की है कि वो इस पर बहस कराएं। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर दूसरे विपक्षी दलों से बात हुई है और वो इस बात पर सहमत हैं कि जन विरोधी और जुमलेबाज सरकार की सच्चाई को जनता के सामने लाने की सख्त जरूरत है। तो चलिए, इसी के साथ दीजिए इन खबरों से इजाजत। फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।